नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। नवनियुक्त महिला ग्राम प्रधान ने कायम की मिसाल। टोडरपुर हरदोई में जहां एक ओर जनपद की कई ग्राम पंचायतों में अनियमितता सामने आती रहती है, प्रधानों पर कार्य न करने के आरोप लगते रहते हैं, वहीं टोडरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत और डेरी में नव नियुक्त ग्राम प्रधान ने 4 माह में ही ग्राम पंचायत की सूरत बदलने लगी। विकास खंड टोडरपुर की ग्राम पंचायत और डेरी में ज्योतिष्णा मिश्रा ने प्रधान बनते ही सबसे पहले पंचायत भवन की साफ सफाई रंगाई पुताई करते हुए पंचायत वासियों की छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए सुबह 10 बजे से 4 बजे तक एक बेहतर पढ़े लिखे व्यक्ति की नियुक्ति की, जो जन समस्याओं व छोटे मोटे कार्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही समाधान करे। लगभग 1700 वाली इस ग्राम पंचायत में नवनियुक्त प्रधान ने स्कूल में ट्रायल, पंचायत घर में हार्वेस्टिंग, चक्रोड निर्माण, गौशाला में गाय बाहर ना निकले इसके लिए चारों तरफ तार व गौशाले के पास ही पार्क बनाने जैसे तमाम ग्रामीणों के हित में कार्य कराए। वहीं प्रधानपति व प्रतिनिधि मुकेश द्विवेदी ने भी अपनी पत्नी द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए स्वयं के खर्च से पंचायत घर में फुलवारी व इसकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की। ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए तहसीलों व ब्लॉक के चक्कर न लगने पड़े इसके लिए स्वयं पंचायत घर में बैठकर राशन कार्ड से लेकर जाति निवास जैसे कार्य पंचायत स्तर पर ही हो सके इसके लिए पंचायत भवन में ही व्यवस्था की। छोटे छोटे कार्यों की पंचायत भवन में ही व्यवस्था होने पर ग्रामीणों ने प्रधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बार ऐसा जन प्रतिनिधि चुना है जो लगातार गाँव में शिक्षा, शुद्ध जल व विकास जैसे कार्यों को लगातार कर रहा है। लोगों का कहना है कि जब गाँव के लोगों ने एक पढ़ी लिखी दृढ़ संकल्पित महिला को अगुवाई करते देखा, उन्हें भी गाँव के विकास की उम्मीद की किरण दिखी, जिससे वह भारी मतों से विजय होकर ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हुई। ज्योतिष्णा मिश्रा के ग्राम प्रधान पंचायत के मुखिया का पद संभालते ही गांव के विकास का मुद्दा उनके लिए चुनौती के रूप में खड़ा था। उन्होंने इसे बड़ी सहजता से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं पर खास जोर दे रही है। वहीं ग्राम पंचायत के 4 माह के विकास कार्यों को देखते हुए अन्य प्रधान भी पंचायत भवन में बैठकर विकास के गुण सीखने आने लगे हैं। जनता की समस्याओं को देखने के लिए बैठा लगाया कि छोटी छोटी जो भी जन समस्याएं आए उनको प्रधान से अवगत कराएं, तो किस तरीके की समस्याएं ज़्यादातर आती हैं? देखिए, यहाँ पर हमें जो प्रधान जी के आदेशानुसार बिठाया गया है पंचायत भवन में, क्योंकि अभी तक जो भी प्रधान हुए हैं कोई भी अपना मान लीजिए मूल निवास बनवा रहा है तो उसको बेचारे को दो दो चार चार बार ढूंढना पड़ता था प्रधान है कहाँ। तो ये सारी समस्याएं जो गाँव से संबंधित हैं उनमें हमारे गांव की जनता को कोई समस्या न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये इन्होंने एक पहल की है। यहाँ पे पंचायत घर में जानवर बनते थे, यहाँ पर यहाँ ट्रैक्टर खड़े होते थे, ट्राली खड़ी होती थी, तो यहाँ ऐसी अव्यवस्था फैली हुई थी, तो उस अव्यवस्था को दूर किया, यहाँ सब वायरिंग वगैरह पंखा वगैरह सब लगवाया। हाँ, देख रहे हैं कि बहुत अच्छी प्रधान द्वारा सुविधाएं की गई और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आसपास के गांव के जो नए प्रधान हैं वो यहाँ आकर के रोजाना एक दो लोग देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था हम भी अपने गाँव में करें ताकि हमारे गांव के लोगों को भी वो सुविधा पहुंचे। निचले स्तर पे देखा है कि बहुत सारी जनता की निचले स्तर पे छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं होती, तो किस तरीका की समस्याएं ज्यादातर आती हैं? यहाँ पर जैसे किसी को मान लीजिए कोई विकलांग है, ठीक है, उसको कहाँ कागज बनवाना है, कौन सा कागज बनवाना है, कोई लाभ योजना हमको लेनी है, तो वो यहाँ बेचारा परेशान रहता था। मगर हम लोगों ने ये सोचा है कि इस तरीके से हम कार्य करें ताकि गांव के लोगों को कहीं भटकना न पड़े। उसमें हम राशन कार्ड से लेकर के जिनका जो पात्र हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं बने हैं उनके, तो उनके राशन कार्ड बनवाने से लेकर के जो भी उनको मतलब बैंक तक की जो समस्याएं हैं वो सब प्रधान जी के द्वारा यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर दिन भर क्योंकि कोई भी आदमी चाहे, दूसरा हमारे गाँव में मजरा लगता है धर्मापुर, वहाँ का व्यक्ति भी आए तो प्रधान जी तो बाहर होंगे कहीं ब्लॉक पे होंगे तो वो नहीं मिल पाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर उन्होंने नियुक्त किया है और इस तरीके से हम यहाँ पर ये कार्य देखते हैं बराबर। तो जैसा कि व्यवस्था आप देख ही चुके हैं।